उत्तर प्रदेश में रोक के बाद भी पराली जल रही है, क्रैशर चल रहे हैं और नोएडा गाजियाबाद के आसमान धुएं की काली चादर ओढ़ रहे हैं। लेकिन मंत्री साहब को ये सब दिखाई नहीं देता, उन्हें तो बस दिखाई देती है सियासत। जहाँ तक पॉल्यूशन का सवाल है, दिल्ली में 400 हम तो 300 कुछ के ऊपर है और कोशिश की जा रही है कि जो धूल उड़ने से जो ज्यादा प्रमोशन जो पॉल्यूशन होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। वीके सिंह का यह बयान तब आया जब शनिवार को गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 361 तक पहुंच गया, जबकि नोएडा में AQI 400 रिकॉर्ड किया गया, जो कि स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद खतरनाक है। अब जरा नोएडा की तस्वीर देखिए, जो ये बताने के लिए काफी है कि जो दिशा निर्देश प्रदूषण नियंत्रण के लिए जारी किए गए हैं उनका पालन कितना हो रहा है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रेप 4 लागू होने के बाद भी पत्थर पिसाई का काम जारी है। अब कुछ दूसरी तस्वीर देखिए, बुलंदशहर से लेकर श्रावस्ती तक पराली जलाए जाने की तस्वीरें आम हो रही हैं। खेतों से धुआं उठ रहा लेकिन रोकथाम के नाम पर कुछ नहीं। नोएडा पहुंचे सीएम योगी के मंत्री अरुण कुमार सिंह से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना था इस ओर ध्यान दिया जा रहा, जो भी क्रशर अवैध रूप से चल रहे उन पर कार्रवाई होगी। पंजाब के अंदर पराली जलाई जाती है, पछुआ हवा चल रही है, ऊपर से हवा नीचे की तरफ को आ रही है और उससे यहाँ का प्रदूषण बढ़ रहा है। दूसरा प्रदूषण जो है हमारे सड़कों से जो ऑटोमोबाइल्स चल रहे हैं, ट्रक्स चल रहे हैं, ख़ास तौर से जो पुराने चल रहे हैं उनसे धुआं निकल रहा है। गाड़ियां हमारी बहुत ज़्यादा चल रही हैं, उनसे जो धुआं निकल रहा है वो हो रहा है। दिवाली के बाद से दिल्ली NCR की हवा खराब है, लेकिन सॉल्यूशन के नाम पर कुछ पाबंदियों को छोड़कर धरातल पर काम से ज्यादा सियासत, जिसका नतीजा है कि दिल्ली NCR में आबो हवा जहरीली होती जा रही और सियासत आसमान पकड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।